इस ट्रेन को लेकर कई प्रदेशों में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। इसी को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में इसके 6 मामले अभी तक सामने आए हैं। हम हरियाणा में करीब 36,000 टेस्ट कर रहे हैं और 2% जीमोन फ्रोंडिस के लिए दिल्ली में लैब भेज रहे हैं, जिसमें से 6 पॉजिटिव आए हैं। इसका भी इलाज सेम है। यह वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए हमने कड़े निर्णय लिए हैं। वहीं कोरोना के चलते कई प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी इसकी स्थिति को लेकर विज ने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की कमी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल धर्मशाला को अस्पताल बना सकते हैं और इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए सामने नहीं आ रहे लोगों को लेकर विज ने कहा कि पहले विरोधियों ने लोगों को भ्रम में डाला था, लेकिन अब वो लोग सामने आ रहे हैं। हमने संस्थाओं को इसमें जोड़ा है और वे पूरा सहयोग कर रही हैं। हम 28 लाख लोगों को टीका लगा चुके हैं। नए स्ट्रेन के लिए, जीनोम फ्रिक्वेंसी के लिए हम 2% जो टेस्ट हैं जो हम कर रहे हैं, लगभग 36,000 टेस्ट हम रोजाना करते हैं, उसके 2% हम दिल्ली लैब में भेज रहे हैं जीनोम फ्रिक्वेंसी के लिए। तो अभी तक तो हरियाणा में केवल 6 केस उन्होंने पॉजिटिव बताए हैं और ट्रीटमेंट तो अभी सबका सेम है, जो पहले का है वही इसका ट्रीटमेंट है। नहीं, फैसले तो वैसे भी सख्त लेने हैं, लिए हैं, जिस प्रकार से ये तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि ये जो इस बार की वायरस है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस लग रहा है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा लोगों को ये असर डाल रहा है, इसलिए हमने कड़े निर्णय किए हैं। हमने रात का कर्फ्यू लगाया, सख्ती से उसको लागू कर रहे हैं और मैंने डीसी एसपी को कहा है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको लोगों में सख्ती से लागू करवाएं। सख्ती होने से जो नाराज़गी होगी उसको मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं लाशों के ढेर नहीं देख सकता, क्योंकि तरीके दो ही हैं, जहाँ तो हम पूर्ण लॉकडाउन करते हैं और जहाँ लोगों पर सख्ती करें या लोग खुद अमल करें कि इसके बचाव करने के लिए, तीसरा रास्ता नहीं। सर, कई स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन पर भ्रम है कि लगाते ही डेथ हो जाएगी, नहीं, शुरू में विरोधियों ने वैक्सीनेशन के बारे में कई प्रकार की लोगों में गलत भ्रांतियाँ डाली थी, लेकिन हमने जो प्रयोग किया है हरियाणा में वो हमारा सफल रहा। हमने इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं को, अन्य सोशल संस्थाओं को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। हमने उन संस्थाओं को कहा है कि आप कैंप लगाइए, व्यापारिक संस्थाओं को कहा है कि कैंप लगाइए, और वो कैंप लगा रहे हैं, वो लोगों को लाते हैं, हम जाके टीकाकरण करते हैं, और यही कारण है कि हम लगभग 28 लाख लोगों को हरियाणा में टीका लगा चुके हैं और अप्रैल एंड तक हम 35 लाख लोगों को टीका लगा देंगे। इसकी कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, आइसोलेशन रूम्स की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। उसके बावजूद मैंने सभी उपायुक्तों को कह दिया कि जिस भी ज़िले में जरूरत पड़े वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल को एपिडेमिक एक्ट के तहत एक्वायर कर सकते हैं, और अगर वहाँ भी जगह ना बचे तो किसी स्कूल, किसी धर्मशाला में टेम्प्रेरी अस्पताल बना सकते हैं, किसी भी मरीज़ को बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे हमारे प्रदेश में लगभग 70% लोग होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो भी हमारा दायित्व है, उनको भी देखने के लिए मैंने टीमें बनाई हैं, और हर होम आइसोलेशन वाले मरीज को कम से कम 2 दिन में एक बार मेरे स्वास्थ्य विभाग की टीम घर जाकर देखती है, चेक करती है, दवाइयाँ देती है, लिटरेचर देती है, ताकि उनका ऊपर भी पूरी निगरानी की जा सके, और बाकायदा एक ऐप के माध्यम से हम ये सारा मॉनिटर कर रहे हैं। ब्रे
ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक